एंट्री लेते हैं, ये देखो जैन जारी महाकाल मंदिर, कम से कम 21-22 फीट की मूर्ति, एक काफी बड़ी मूर्ति है भाई, विशाल गणेश मूर्ति है। तो ये देखो 20 फीट की भी अब बताया, उसके बाजू में वो देखो 19 फीट की है, और ये देखो ये 15 फीट की मूर्ति, बाजू में वो देखो 14 फीट की है, 13 फीट है, 12 फीट, ये 11 फीट, ऐसे करते करते ये वाली देखो ये सबसे विशाल है 16 फीट की मूर्ति। ये देखो भाई चौक मिट्टी को, अभी ये क्या कर रहे हो भैया इसमें, ऐसे इसको इसमें लगता है। अच्छा ये देखो विशेष नाग मटके के ऊपर ना विशेष नाग जी तैयार कर रहे हैं, ये देखो पेंटिंग का यहाँ पे कितनी मस्त फिनिशिंग है भाई। ये वाली मूर्ति चेक करो कितनी विशाल मूर्ति, शेष नाग के ऊपर गणेश जी बैठाए हुए, हो काफी मस्त मूर्ति, कम से कम कितनी 100 मूर्ति बनाया हो गया, 600 मूर्ति है। देखो 2 फीट से भी कम की मूर्ति है, देखो घर के अंदर रखने के लिए मूर्ति, इनको अपन बोल सकते हैं भाई सब 6 पैक वाले गणेश जी भाई, इनका 6 पैक चेक कर लो। इको फ्रेंडली का भैया आप जो बोलते हो तो उसका कैसे, मतलब मूर्ति में बिल्कुल इको फ्रेंडली है, मिट्टी की मूर्ति है, बिल्कुल मिट्टी का है, प्लास्टर पेरिस अगर कुछ काम नहीं, इधर तो बैन ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी मम्मी गाड़ी वो वाला ठीक था, यहाँ पे मम्मी अभी गाड़ी वॉश कर रही है, यहाँ पे कबूतर ने कर दी थी टट्टी साफ हो गए ना यहाँ पे एक्सीलेटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, और बहुत बढ़िया होंगे एकदम मस्त, मॉर्निंग की शुरुआत गाड़ी की साफ करते हुए, एक्सीलेटर अच्छे से चमका दिए ना मम्मी और मैं, अभी कहाँ जा रहे हो आपको, गाड़ी पहले बाहर निकाल देना फिर आप फिर बताते भाई। चलो तो जी दोस्तों अभी अपन गाड़ी लेके अभी कॉलोनी से निकल रहे हैं, मैं मम्मी जी जा रहे हैं बंगाली चौराहा, जो कि वहाँ पे ना फोन बंदे तो मेरे में कॉल लगा लेंगे। गाइस बंगाली चौराहा जा रहे हैं, वहाँ पे ना गणेश मूर्ति काफी नेक्स्ट लेवल वाली मिट्टी से बनाते हैं, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मूर्ति रहती है, तो आज की वीडियो रहने वाली गणेश मूर्ति के ऊपर, आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कैसे कैसे गणेश मूर्ति बनती है। गाइस अभी इंदौर के बाईपास में है और खंडवा रोड देख लो, 4 लेन होगी, काफी जबरदस्त रोड है, और अभी निकल गई धूप, लेकिन धूप में भी हवा चल रही है ना मम्मी, पसीना नहीं आ रहा है, जैसे दिल्ली कानपुर में हालत बुरा था ना भाई, यहाँ पे पसीने वाली गर्मी नहीं है। तो जी भाई अभी आईटी पार्क से अभी अपन ने राइट ले लिया, ब्रिज चढ़ गए, रोड क्या शानदार रोड हो रखी भाई साहब इंदौर की, ओ हो 7 से 8 साल हो गए इंदौर इंडिया में नंबर 1 आ रहे हैं, साफ सुथरा मतलब क्लीनेस्ट सिटी है भाई साहब इंदौर। तो यहाँ पे देख लो मूसा टेडी पे अभी ओवरब्रिज का काम हो रहा है भाई साहब, फ्लाई ओवर बन जाएगा ना काफी मस्त हो जाएगा, और यहाँ नीचे रोड अब थोड़ी बहुत खराब हो रखी, सिग्नल नहीं है ना इस शाम से, बीच बीच में गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से, और भाई साहब पल्सर वाले आ रहे हैं। खजाना के पास पहुँच गया, यहाँ पे देखो रोड सफाई हो रही है, साफ सुथरा यहाँ पे चेक कर लो, रोड के कौन से मिट्टी रहती है ना पूरी साफ सुथरा, झाड़ू लग रहा है यहाँ पे, वाह भाई वाह ये सही है, साफ सुथरा बहुत है, ऐसे ऐसे ही थोड़ी मम्मी नंबर 1 में आ रहा है, मस्त है, धूल मट्टी नहीं है यहाँ पे। वी आर इन बंगाली चौराहा, और यहाँ से अभी अपन जहाँ पे गणेश मूर्ति बनती है ना वहाँ पे कलाकार के पास जा रहे हैं, कहाँ छोटी गली में कहीं बता रहे थे भाई, मटका वाला यहाँ पे पूरा देख लिया था सामने में खतरनाक, ये पूरा बंगाली चौराहा है, और यहाँ पे हो रखा है सीना काफी ज्यादा, यहाँ पे भीड़ भड़ाका हो रखा है, बाइक को फिलहाल यहाँ पे अभी अपन ने पार्क कर दिया, फिलहाल अभी अपन पहुँच चुके हैं लोकनाथ मूर्ति आर्ट, यहाँ फ्रेंडली मूर्ति बनती है केवल भाई, यहाँ पे फ्रेंडली मूर्ति बनती है, तो चल के आपको अंदर दिखाते हैं, इनकी कलाकारी आपको दिखाते हैं, बहुत कलाकारी देखी होगी, कानपुर की भी देखी है आपने, तो प्लास्टर पैलेस की बनाते हैं, दुर्ग की भी आपने देखी होगी, और भी हैदराबाद और फलानी जगह की आपने देखी होगी, एक बार आपने इंदौर की भी चेक कर लो। यहाँ से फिलहाल अभी अपने साथ मम्मी जी भी आई है, पैरा देखे अभी भैया ने बांधा है, और यहाँ पे देखो पैरा वैरा भी पूरा सेट कर रहे हैं भैया, ये देखो चेक कर लो भाई, ये देखो ये मूर्ति, ये वाली मूर्ति का है ना, ये देखो रेडी होने के बाद कैसा रहेगी भाई, नेक्स्ट लेवल की, तो 5 फीट की है कि 6 फीट की है, 8 फीट की है, ओ हो हो अभी भैया ने पैरा दे दिया, धागे से ना पूरा बांध रहे पैरे को, ये वाली मूर्ति 11 फीट की है आपकी, अच्छा पैरा के ऊपर ना पुट्टी का लैप अभी भैया ने दिया भाई, अंदर बहुत बड़ी इनकी जगह है, अंदर भी चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं भाई, ये चेक करो भाई छोटी मूर्ति, ओ हो ये वाली मूर्ति पे रेडी होने के बाद कितना मस्त लगेगी मम्मी, छोटे से नहीं गए भाई, यहाँ से अभी अंदर चल रहे हैं, ज्यादा अंदर नहीं थोड़े ही अंदर, ये देखो ये फिलहाल यहाँ पे पहुंच गए, ओ तेरी यहाँ पे चेक करो, हो सारी मूर्ति इनके पास, तो ये देखो भाई यहाँ पे क्या बना रहे भैया, क्या चीज बन रही है, ठाकुर का डिजाइन लग गया ना गोयना पकड़ा, अच्छा जेवर है, अच्छा ये देखो भाई यहाँ पे भी जेवर बन रही है, ओहो हो गाना चल रहा है, एक बार गाना पहले स्टॉप करवाते हैं, यहाँ पे देख लो भाई ये लाइन जो है ना छोटी छोटी मूर्ति, और पीछे भी काफी बड़ी बड़ी मूर्ति 20-20 फीट 18-18 फीट भी, और ये वाली गणेश मूर्ति चेक कर लो, ये काफी बड़ी मूर्ति है, ये कितने फीट की होगी भैया ये मूर्ति, ये वाली मूर्ति 13 फीट की, ये देख लो भाई जस्टिफाई कर लो कितनी हाइट पे मूर्ति, और रेडी होने के बाद काफी नेक्स्ट लेवल लगी,
पिक्चर रखे हो क्या? नहीं, रेडी होने के बाद ऐसी डर लगेगी। पिक्चर अगर कुछ है ओ भाई का पास है। अच्छा, यहाँ पे देख लो भाई साहब, चौक मिट्टी का भी भैया ने लैब दिया है। गीली मिट्टी लगा दी है, उसके ऊपर ना चौक मिट्टी लगाई है भाई। इनको अपन बोल सकते हैं भाई साहब सिक्स पैक वाले गणेश जी। देखो भाई इनका सिक्स पैक चेक कर लो, और थोड़ा इधर में भी देख लो, छोटी मूर्ति जो घर पे रखने के लिए 2 फीट 1.5 फीट 2.5 फीट में जो रहती है ना, 3 फीट तक, ये पूरी छोटी छोटी मूर्ति है। वो इसमें मिट्टी का पूरा लैब दे दिया, प्लेन कर दिया, और पेंट का कार्यक्रम सिर्फ इसमें रह गया, और डेकोरेशन वगैरह ना वो पेंट के बाद ही करते हैं। लाइन से देखो मूर्ति भाई, यहाँ पे नंबर डाले हुए 457 पहचानने के लिए ना, अलग अलग मूर्ति का। ये देखो लिटरली भाई अंदर ही अंदर पूरा फैला हुआ है, काफी बड़ी बड़ी मूर्ति। यहाँ पे ना दोस्तों हाथ की फिनिशिंग चेक करो, नेल्स चेक कर लो, उंगली चेक कर लो भाई सब, कितना नेक्स्ट लेवल भाई, एक नंबर फिनिशिंग है। ओहो हो हो, आपको छोटी मूर्ति पूरी आपको चेक करवा दी, उसके सिनेमैटिक शॉट भी आपने देख लिया, और यहाँ पे चेक कर लो ये वाली मूर्ति, काफी नेक्स्ट लेवल वाला प्रोजेक्ट ने यहाँ पे रेडी होने के बाद, काफी बढ़िया लगी भाई मूर्ति। फेस देख लो भाई, कितना बड़ा फेस बना। देखो इको फ्रेंडली मूर्ति, इनका फ्रेंडली मूर्ति चेक करो, अलग ही फेस जस्टिफाई हो रहा है रेडी होने के बाद भाई, एकदम फ्रेंडली मूर्ति इनकी यहाँ बनती। यहाँ पे देखो एकदम स्माइल करते हुए, एकदम मस्त टीका लगा के अभी यहाँ पे बैठे। देखो गद्दा है ना यहाँ पे, एकदम इको फ्रेंडली बोले तो मतलब एकदम इंजॉयमेंट करते हुए, एकदम स्माइल करते हुए, एकदम चिल माइंड में रहते हुए गणेश जी यहाँ पे बने हुए हैं। इनकी कलाकारी है, इसके प्रोजेक्ट ऊपर रहती है। यहाँ पे लाइट चला के रखी है, शायद मिट्टी गीली है या गीली हो रखी है ना, पंखा लगाया नहीं अभी भैया ने। यहाँ पे देख लो, ये रही आई थिंक 10 फीट के आसपास की ये मूर्ति है भाई, काफी बड़ी मूर्ति है, और ये उससे छोटी 8 फीट 9 फीट के अराउंड मूर्ति वाली। देखो अल्टीमेट भाई, जोरदार मूर्ति है वाली तो। यहाँ पे देखो भाई मूर्ति कितने फिट की है भैया, ये मूर्ति 13 फीट की बन रही है, और सबसे हाईएस्ट मूर्ति कितने फीट की अभी बनी है? यही 13-15 फीट तक ही है। ये क्या सिक्स पैक बना रहे हो गणेश जी के? सिक्स पैक बना रहे हो गणेश जी के? इको फ्रेंडली का क्या रहता है भैया? अपना जो इको फ्रेंडली की मूर्ति बनती है, मिट्टी है, अभी मिट्टी का पूरा लैब दिया है, इसमें भैया मिट्टी को प्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई चौक मिट्टी को अभी ये क्या कर रहे हो भैया, मतलब इसमें क्या करोगे अभी गणेश मूर्ति में? इसमें लगता है। अच्छा, इसमें फिनिशिंग के लिए ऐसा करते हो ना? अच्छा, ये देख लो गणेश भगवान की मूर्ति अल्टीमेट भाई, 14 फीट की मूर्ति, काफी ऊपर, काफी हाईएस्ट मूर्ति है। ओहो हो, यहाँ पे मिट्टी का लैब दे दिया, और ये इसमें ये लगाओगे, और इसके बाद फिर पेंटिंग का चालू करोगे? पेंटिंग कब से चालू होगा? रक्षाबंधन की बात की, अभी कर दोगे 3-4 दिन में? 10-15 दिन बात करोगे? अपनी लोकल की मूर्ति कहीं बाहर भी जा रही है? लोकल ही है सब। ये पोस्टर चेक कर लो भाई साहब मूर्ति का, और ये रेडी होने के बाद ये देखो, ये जो फेस ऊपर बना है ना ऐसे रहेगी भाई, काफी जबरदस्त है भाई। कितना टाइम लग जाता है आपको इसको करने में पूरा? 4 घंटा 5 घंटा ऐसे ही करते रहोगे पूरा? अच्छा, अभी कितना समय हो गया आपको? 1-2 घंटा हो गया? 4.5 घंटा हो गया। 4.5 घंटा हो गया? 8 बजे से यही कर रहे हो आप? अरे बाबरे, बनाते यहाँ पे लगी हुई, पीछे पूरी कॉलोनी घर है। ये देखो यहाँ भैया ने दे दिया रस्सी से उसको बांध रहे। यहाँ पे देखो ठाचा पूरा रेडी हो गया भैया, उसमें ना पूरा पैरा सेट कर रहे हैं अभी। ओहो हो, पूरा देखो पैर भी गंदा हो गया अपना। देख लो विशाल गणेश जी की मूर्ति है, देखो काफी जबरदस्त। ओहो हो, कम से कम ये भी 14-15 फीट की मूर्ति है अल्टीमेट। यहाँ पे चेक करो, सब सिक्स पैक की मूर्ति बनाते भाई यहाँ पे तो। ये देखो ऑनर जी ये बैठे हैं, तो इनसे कुछ बातें पूछते हैं अभी। इको फ्रेंडली का भैया आप जो बोलते हो, तो उसका कैसे मतलब मूर्ति में कैसे? बिल्कुल इको फ्रेंडली है, मिट्टी की मूर्ति है, बिल्कुल मिट्टी का है, प्लास्टर पेरिस अगर कुछ काम नहीं, इधर तो बैन ही है। बिल्कुल बैन, और बिना बैन से मतलब नहीं, हमने अगर प्लास्टर का काम करा नहीं। और कितना साल हो गया आप पूरा मूर्ति का ही आप काम कर रहे हैं? करीब 30 साल हो गया मूर्ति का काम। 30 साल हो गया आपको, और अपनी लोकल ही कहीं ऑर्डर है कि बाहर का भी है? इंदौर के बाहर का भी है आपका? एमपी से बाहर भी है। अच्छा, कहाँ एमपी बाहर कहाँ जा रहे हैं? एमपी बाहर राजस्थान है, राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सबसे हाईएस्ट मूर्ति आपका कितने फीट की बनाया? इसमें भी हमारे पास 16 फीट है। 16 फीट वो जो आपने बाहर खड़ी हुई 16 फीट की चाहिए? अच्छा, वो आटा टाइप का गूंद रहे थे प्लेन करने के लिए, फिनिशिंग के लिए आप उसको करते हो? इसको पेंटिंग का कार्यक्रम कब से स्टार्ट कर रहे हो आप?
अभी करेंगे 25 तारीख से पेंटिंग। 25 तारीख से करोगे? और छोटी छोटी घर पे रखने के लिए मूर्ति वो भी तैयार करोगे कि नहीं? वो नहीं बना, वो अपना नहीं है। 3 फीट तो ऑर्डर अभी तो पूरा बंद कर दियो जी, आज से 15 दिन पहले से ऑर्डर बंद। 15 दिन पहले? तो अभी कोई फ्री मूर्ति है कि सब बुक ऑर्डर पे है? नहीं अभी है फ्री, जो रेडीमेड वो बिकने वाली मूर्ति आया है कुछ। अच्छा, क्या कैसे फिट अभी चला रहे हो? फिट से नहीं, वर्क के हिसाब से डिजाइन के ऊपर है। तब भी जैसे नॉर्मल 5-6 फीट का क्या प्राइस रहेगा? 6 फीट का कम से कम ही मान लीजिए 15,000 के करीब। 15,000 के करीब, वही समझ लो 2,500-3,000 फीट आपको समझ लो आप पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ आप बता दो, अगर किसी को लगेगा तो ऑर्डर आपको 9981224। आपको स्क्रीन पे भी नीचे शोर हो रहा है, अपना नाम क्या है? शक्तिपाल, शक्तिपाल करके। ठीक है, दुर्गा मूर्ति कार्यक्रम करते हो कि? माता जी भी, माता जी का भी मूर्ति बनती है ना? उससे स्टार्ट करोगे अभी? स्टार्ट हो गई, मन के गोदाम में रखी, गोदाम पे। अच्छा, अपना और भी गोदाम है ये देखो, यहाँ पे अभी गणेश जी के हाथ नहीं लगाए है। तो अपने जो कलाकार है सब बाहर से ही होंगे कि लोकल से? सारे बंगाल से। बंगाल से सब? अच्छा, हाथ अभी लगाए भैया? अच्छा, इनको कड़ा भी पहना दी गणेश भगवान जी को। कल 15 अगस्त है ना, उसका देखो यहाँ पे फ्लैग वगैरह लगे है। जगह फिर भी हॉर्न मारे, निकल जाएगी भाई साहब, आगे बढ़ाओ आप। उनका आर्ट मेकिंग देख के ना काफी ज्यादा मेरे को मस्त लगा, फिनिशिंग तो अल्टीमेट थी भाई। मैं दुर्ग थनौत की देखा ना, उससे भी अल्टीमेट फिनिशिंग है। ओवरब्रिज के उस पार जाने रॉन्ग साइड में, और यहाँ से अभी रास्ता देख रहे, पूरा फ्रूट्स वगैरह लगा है ना, ये आगे से है मम्मी, आगे से चल देते हैं ना। तो अभी ना गाइस बंगाली चौराहे से आगे मयूर हॉस्पिटल के आगे, और अपन आगे आगे आके आके ना मेन रोड का भी बाय बाय कह के अभी यहाँ पे आ गए। घूमे जा रहे कहीं ना कहीं मूर्ति मिलेगी। ये देखो यहाँ पे पंडाल लगे हुए, गणेश पंडाल यहाँ पे बन रहे हैं, पाल मूर्तिकार आर्ट्स। ये देखो ओए होए होए होए, लाइन से आगे कम से कम 5-6 कलाकार है। चल लो यहाँ पे, अरे गाड़ी पार्क कर लेना पहले, दो मिनट पानी पी लेते ना, मम्मी प्यास लग रही है। चलो ठीक है जी, रेस्टोरेंट पे आ गए, यहाँ से पानी बोतल वगैरह देख लेते ना। मम्मी की बातचीत खत्म नहीं हो रही भाई, कब से वहाँ पे देखो बातचीत कर रही है। आ जाओ मम्मी, आ जाओ इधर आओ। रेस्टोरेंट काफी जबरदस्त यहाँ पे बना हुआ। कहाँ गए भैया अभी? अच्छा यहाँ से गए, देखिए पानी बोतल हाँ। और ग्लास भी दे दीजिएगा ना यहाँ पे रेस्टोरेंट पे। देखो भाई कितना प्यारे यहाँ पे बनाए हुए बैठने के लिए। ओहो हो भाई, अभी मम्मी बोल रही थी कि शूज पहन के चले जाते, 6-7 हज़ार का नुकसान हो जाता भाई, गंदे हो जाते ना शूज, बेकार हो जाते हैं पूरा। ये देखो पूरी चप्पल की हालत टाइट हो गई। अच्छा शूज पहन के नहीं आया ना, ग्लास आ रहा ना दो मिनट भैया, धन्यवाद। 3 कलाकार है यहाँ पे, वो सामने 1, 2 और 3। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर, पाल मूर्तिकार आर्ट्स में यहाँ काफी बड़ी बड़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है, 21-21 फीट की, 20-20 फीट की, 22-22 फीट की भी मूर्ति है। चलो अंदर चल, यहाँ आराम कर रही है फिलहाल मम्मी, और अंदर आपको दिखाते हैं। देखो अभी भैया ने ढांचा तैयार करके अभी इसमें पैरा दे रहे हैं, ये मूर्ति ये देखो ऐसा ही है। देखो ये पोस्टर चेक कर लो, रेडी होने के बाद ऐसा रहेगी भाई। वाओ, अच्छा तैयार किया हुआ है भैया ने, और यहाँ पैरे से अभी पूरा रेडी करेंगे मिट्टी। बाहर में देखो छोटी छोटी मूर्ति भी है, ऐसी एंट्री लेते हैं। ये देखो जैन जारी महाकाल मंदिर, कम से कम 21-22 फीट की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है भाई, विशाल गणेश मूर्ति है। तो अभी ये ढांचा तैयार करके इसमें पैरा वगैरह भी देंगे पीछे, पूरा भैया तैयार करे, और रेडी होने के बाद ये देखो ये पोस्टर है, ऐसे दिखेगी भाई मूर्ति, ये चेक कर लो यहाँ पे। अभी यही मूर्ति का भी आपने ढांचा तैयार किया है, इसको रेडी करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 हफ्ता लग जाएगा पूरी मूर्ति का पेंट वेंट करके, बोल रहा हूँ। पेंट का कार्यक्रम कब से चालू कर रहे हो? कल से चालू हो रहा है। अच्छा ये वाली देखो विशाल गणेश मूर्ति भाई, ये जा रही उज्जैन महाकाल, 20 फीट है। अरे बाबरे, मूर्ति चेक कर लो भाई, इनकी फिनिशिंग चेक करो। ओहो, चलो यहाँ से अभी अंदर चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बकायदा पोस्टर भी दिए हो रहे, रेडी होके कैसे रहेगी मूर्ति, ये देखो। ये देखो ये भी मूर्ति का पोस्टर है ऊपर, और रेडियो के ये देखो ये भी काफ़ी फिट की है, कम से 12-13 फिट की ये भी मूर्ति, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्ति इस लाइन में पड़ी। इनका आर्ट देखो भाई नेक्स्ट लेवल, मेरे को तो एक नंबर प्रोजेक्ट लगा है भाई, कलाकारी है एक नंबर यहाँ पे, कलाकारी हो रही है गणेश मूर्ति में। ये देखो भाई अभी भैया ने चौक मिट्टी लगा के ऊपर से पानी से इसको क्या कर रहे हो भैया, सुखा प्लेन कर रहे हो क्या इसको? अच्छा अच्छा, और इसके बाद फिर पेंटिंग करोगे कि और भी कुछ इसमें करोगे? सीधा पेंटिंग का रहेगा ना। ये देखो मूर्ति चेक करो भाई, काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली मूर्ति, कितने फिट की है भैया? सबसे बेस्ट बेहतरीन मूर्ति मेरे को लगी भाई साहब, 10-11 फुट का ही है। अच्छा और भी इनकी कलाकारी आपको चेक करो, ये मूर्ति चेक करो भाई, मस्त बैठे हुए गणेश जी इतने मस्त लग रहे भाई। ये देखो इन रेडी होने के बाद ऐसे रहेंगे ये, वाह भाई।
भैया सब ऑर्डर पे है कि अभी फ्री मूर्ति भी पड़ी है? सब ऑर्डर पे है। कम से कम कितनी 100 मूर्ति बनाए हो गया? 600 मूर्ति है ये पूरी यहीं पे की और भी गोडाउन वगैरह कुछ है? यहीं पे 600 मूर्ति बनी है। अच्छा क्या बात है। और 300 दुर्गा 300 दुर्गा 300 गणेश। पावरे ये देखो इनका आर्ट देखो ये वाला रेडियो होने के बाद ऐसे गणेश मूर्ति दिखेगी। पेंडिंग कार्यक्रम कब से चालू कर रहे हो? कल से पेंडिंग का हो जाएगा तो अभी तो यहाँ पे काम चल रहा है। नहीं उधर कंप्लीट है, इधर बीच वाला काम बाकी है। बीच वाला काम बाकी है ना। अच्छा आप लोग तो कलाकार सब बाहर से होंगे कि इधर लोकल की हो? नहीं बाहर से आते। रुकने वगैरह कैसे करते हो यहाँ पे? यहाँ पे खाना पीना सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। अच्छा यहाँ पे पूरी लाइटिंग होगी, ये जैसे लाइटिंग दिख रही है ना भाई सब, ऐसे पूरी लाइटिंग होगी। ये देखो यहाँ पूरा यहाँ पे लिखाई गई, ये भी काफी मस्त लग रही है। 6 फीट की मूर्ति भैया बता रहे हैं। यहाँ पे ना माता जी की भी मूर्ति यहाँ पे पड़ी हुई है। तो भैया इसका आटा अभी गूंद लिया है कि और गूंदना इसमें बाकी? अभी बाकी है। कितना घंटा इसको करते हो? 3 घंटा। 3 घंटा करते हो? अभी कितना 1.5 घंटा हो गया। अच्छा तो अभी यहाँ भी यहाँ का रेस्ट चल रहा है। ये लाइन की जो मूर्ति है ना भाई साहब, ये पीछे में मेरी जितनी भी आप देख रहे हो मूर्ति, कम से कम यहाँ पे 100 मूर्ति होंगी और उस लाइन पे भी 100-200 मूर्ति बिल्कुल रेडी हो चुके। सिर्फ इसमें भैया बता रहे पेंटिंग का कार्यक्रम बस बचा है पूरा। और फिनिशिंग यहाँ पे देख लो भाई, मैं एक एक मूर्ति पर्टिकुलर का तो आपको दिखा नहीं सकता। लेवल वाली यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है। नेल्स से आई थी, चेक करो भाई इनके हाथ चेक कर लो, एकदम +1 है भाई साहब यहाँ की फिनिशिंग का। भाई ग्रेट कलाकारी यहाँ पे। तो चलो यहाँ की तो आपने देख ली, एक विशाल मूर्ति एक सामने में पड़ी, वो भी आपको चेक करा तो भाई वो भी कहीं बाहर जा रही, बार बार यहाँ पे जाती भाई मूर्ति। ये सामने में ना बड़ी बड़ी मूर्ति पड़ी है सामने, देखो ये देखो 20 फीट की भी अब बताया है। उसके बाजू में वो देखो 19 फीट की है, और ये देखो ये 15 फीट की मूर्ति। उसके बाजू में वो देखो 14 फीट की है, 13 फीट है, 12 फीट, ये 11 फीट, ऐसे करते करते ये वाली देखो ये सबसे विशाल है 16 फीट की मूर्ति। ये देखो ये देखो इसमें पैरे के बाद ना मिट्टी का लैप दिया है जो कि सूखने के लिए यहाँ पे रखे हुए। देखो लकड़ी वकड़ी है ना, इसके ऊपर चढ़ के पूरा मिट्टी से लैप देते हैं। देखो ये दुकान के ओनर जी है, और ये देखो विशेष नाग मटके के ऊपर ना विशेष नाग जी तैयार कर, मस्त फिनिशिंग है भाई। ये अभी फ्री मूर्ति कुछ है कि सब ऑर्डर पे है? सब ऑर्डर पे। तो ऑर्डर कितना टाइम हो गया आप बंद किए हुए? 10-15 दिन हो गया है। दुर्गा माता के अभी ले रहे हो कि वो भी बंद कर दी? लेना पड़ेगा ना वो, अभी ले रहे हो ना। अभी अपना क्या रेट चल रहा है, फिट कैसे फिट चला रहे हो? सबसे स्टार्टिंग 5,000 से स्टार्टिंग। अच्छा 1.5 लाख रुपए तक है ये? जैसे उज्जैन महाकाल की आपने मूर्ति दिखाई, और भी कहाँ कहाँ बाहर भेज रहे हो आप मूर्ति? और MP से भी बाहर है? चित्तौर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितना साल हो गया आप कलाकारी में, आप यहाँ इस लाइन में हो आप? हमारा पूछते नहीं बिजनेस है। अच्छा मैं कर रहा हूँ 10-15 साल से। 15 साल हो गया आपको? पापा वगैरह कर रहे हैं, 40-45 साल पुराना हो गया। अच्छा अच्छा। तो कलाकार सब बाहर से ही होंगे आपके? कलकत्ते से। सब आपको हॉर्न मार रही है पीछे वाली, आपको मूर्ति कला केंद्र आपको दिखा रही है। इनकी आर्ट एक बार चेक कर लो भाई साहब। ये देखो विष्णुनाथ मूर्ति आर्ट के अंदर अभी चलते बाइक को, फिर यहाँ बाहर में पार्क कर दिए। चलो मम्मी कैसा लगा उनका आर्ट देख के आपको? बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मूर्ति बन रही है, देखो हमने 11-12 फीट की यहाँ पे भी मूर्ति है। देखो आर्ट यहाँ का नेक्स्ट लेवल है। देखो ये बीच बीच में फट रहा है ना, ये क्या चीज है? ये भी ऐसे खुशते अभी इसमें ना भाई साहब फिनिशिंग के लिए और भी क्या करेंगे? क्यों इसमें अभी फिनिशिंग के लिए और क्या क्या करोगे? चौक मिट्टी तो अभी आपने लगा दी है, और इसके बाद पेंट करोगे कि और भी? और ये देखो ये जैसे बीच बीच में ये फट रहा है, इस ये क्या पेंटिंग में? वो सही करता है पेंटिंग में मिट्टी में। अच्छा क्या चीज बना रहे हो भैया? ये डिजाइन है ना। अच्छा ऊपर के डिजाइन का तैयार कर रहे हो आप? क्या बोलते हैं इसको? अचन। अचन बोलते हैं। अच्छा हर मूर्ति में तो ये नहीं लगता ना? हाँ। सबका डिजाइन अलग रहता है। कहाँ से भी आप लोग? कलकत्ता। कलकत्ता से सब? अच्छा तो यहाँ पे आपको छोटी मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जैसे घर पे रखने के लिए या फिर छोटा छोटा पंडाल रहते हैं ना उसके लिए 2-2.5 फीट की मूर्ति भी है यहाँ पे। देखो 2 फीट से भी कम की मूर्ति है, देखो घर के अंदर रखने के लिए मूर्ति भी तैयार हो रही है। हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तू। देखो यहाँ पे गीली मिट्टी को सुखाया जा रहा है, यहाँ पे पैरे के ऊपर ना मिट्टी का लैप दे के अभी इसमें सूख रहा है। टाइम चला दिए, थोड़ी देर अपने को भी हवा ले लेते ना, कितना मस्त लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। यहाँ पे उमस हो रखे ना भाई, टीम का पूरा बना हुआ है, बाहर तो अच्छा हवा चल रही थोड़ी बहुत, अंदर हवा नहीं आ रही। हाँ भाई हवा ले लिए, काफ़ी मस्त लग रहा है। चलो अब उस साइड का आपको दिखाते हैं।
ये गणेश भगवान पैर तैयार कर रहे हो? गणेश भगवान के पैर, ये देखो फिनिशिंग चेक कर लो। तो वो सामने आया कि आपने कलाकारी देख ली है, और यहाँ पे देखो बाबा शंकर मूर्ति आर्ट्स, यहाँ पे अभी आया है, इनकी भी कलाकारी देख लो। इसके बाद भाई बस ये तीन यहाँ पे फेमस है, इनके अंदर कलाकारी आपको चेक, काफ़ी सारी मूर्ति बनी हुई है भाई, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे भी कम से कम 400-300 मूर्ति जो है यहाँ पे भी तैयार होकर पड़ी है, बड़ी बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे तो अभी सभी जगह में अभी पैरा वैरा देके, अभी ये देखो ठाचा तैयार करके, अभी पैरा वैरा देके देखो अभी इसको बांध रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे यही सब तैयार हो रहा है। ये देख लो, ये देखो 12 फीट की मूर्ति, विशाल मूर्ति भाई साहब, काफी जबरदस्त लग रही है। यहाँ की कलाकारी देख के, आर्ट देख के, थनौद में बनती है अपने छत्तीसगढ़ में जो फिनिशिंग देते हैं भाई साहब, रायपुर हो गया, ऑन दी साइड में हो गया, और यहाँ पे उस भाई उससे भी अच्छी फिनिशिंग की यहाँ पे मूर्ति है, और काफी विशाल विशाल गणेश मूर्ति भाई साहब, 24-23 फीट की भी मूर्ति देखी है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे तैयार करके रखी है। यहाँ पे गणेश मूर्ति में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, ये देखो ये चौक मिट्टी का बनाया हुआ है क्या अभी आपने? लैब दे रहे चौक मिट्टी का, ये देखो अभी सूख रही, गिली गिली मिट्टी है, यहाँ पे तो सूख गई है। इसके बाद और फिनिशिंग के लिए क्या करोगे भैया? पालछे हो गए, अच्छा उसके बाद फिर पेंटिंग का। इसके बाद और कुछ करोगे कि सीधा पेंटिंग का करोगे? नहीं, नहीं, कपड़ा चपाएगा। कपड़ा चप रहे हो क्या? अच्छा मिट्टी के साथ कपड़ा। अच्छा अच्छा, उसके बाद गहना। गहने में कैसे रहते हैं वो? मिट्टी है। अच्छा चक मिट्टी सही। अच्छा अच्छा, और प्लेन होगा ना वो? हाँ। पेंटिंग का कितना अपने को समय लग जाएगा चालू करने में कार्यक्रम? कम से कम एक हफ्ता। एक हफ्ता और? कलकत्ता से आप लोग? ये वाली मूर्ति चेक करो, कितनी विशाल मूर्ति, शेष नाग के ऊपर गणेश जी बैठाए हुए, काफी मस्त मूर्ति है। और इनका पोस्टर देखते भैया, इनका पोस्टर कहाँ पे है यार? गीली की नहीं आपको बताते, ही देखो मिट्टी तो अभी सूख चुकी है भाई। हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर। भाई साहब अभी अपन निकल गए, मूर्ति आपने देख ली होगी, काफी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हो रखा है। कैसे लगा मम्मी आर्ट आपको, कलाकार यहाँ पे देख के? कितनी हाइट हाइट की मूर्ति थी आपने? 20 फीट। वो वाली आपने महाकाल वाली मंदिर की देखी, उज्जैन वाली आपने मंदिर? बहुत विशाल मूर्ति, बहुत एक नंबर प्रोजेक्ट भाई, फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल की फिनिशिंग हो रखी थी। यहाँ से हाईवे अभी अपन ने पकड़, 11-12 किलोमीटर है भाई साहब, न्यू रानीबाग खंडवा रोड, वहाँ से अभी अपन चल रहे हैं। ओवर ब्रिज सीधा पकड़े हैं, या 3 ओवर ब्रिज अपने क्रॉस करने पड़े। इंदौर का फेमस आईटी पार्क फिलहाल आ गया, आईटी पार्क चौराहा नाम से फेमस है, बहुत बड़ा आईटी पार्क रहा है। यहाँ से अभी अपन ले रहे हैं खंडवा रोड, यहाँ से अभी अपन लेफ्ट लेते हैं, खंडवा रोड अपने को जाना है। ये स्विफ्ट वाला बीच में ब्रेक मार रहा है यार जी। फिलहाल अभी अपन मल्टी पे पहुंचे, गाड़ी को फिलहाल पीछे पार्क कर दी, काफी हालत टाइट हो गए, रास्ते पे प्याज मिल रहे थे, प्याज भी लेके आ गए। चलो मम्मी लिफ्ट में, हालत खराब हो गई। अरे यार इतना टेंशन ले रहे हो, नहीं नहीं कह रहे हो, वीडियो यहाँ तक। अरे नहीं मम्मी, आंखें लग गया करना। नहीं नहीं करते गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक वीडियो को रख। सबसे फेमस चौराहा है, वहाँ पे दूर दूर से ऑर्डर आते हैं मूर्ति के, काफी बार बार मूर्ति जाती है। बाकी आपने कलाकारी तो देखी, काफी जबरदस्त कलाकारी थी। कार से नीचे नहीं आ रही क्या? चलो मैं तेन कह रही आयुष, कोई बात नहीं, चलो ना पैदल। आपने कह दिया नहीं, अब लिफ्ट बोलती मैं भी तुम्हें लेने नहीं आऊंगी, पैदल ही चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं फट, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर कर देना, मिलता है ऐसी बड़ी वीडियो के साथ। बाय बाय।